Hello everyone, this is Rahul Siddhant, stenographer, Ministry of Home Affairs. First of all, happy Independence Day to all of you. So without wasting much time, मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ. वीडियो लाने का रीज़न तो आप सबको पता ही है, मैंने हेडिंग में दिया हुआ है. अक्सर मुझे फेस करना पड़ता है या मैं देखता हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट में, मैं एक्टिव तो उतना हूँ नहीं, यूट्यूब में ही मैं देखता हूँ या कोड़ा में देखता हूँ, जगह जगह लोग पूछते रहते हैं कि स्टेनोग्राफर का जो उनका जो लाइफ होता है, हाउ इज़ लाइफ ऑफ अ स्टेनोग्राफर, द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ स्टेनोग्राफर एक्चुअली आई शुड से. तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है, स्पेशली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशन है स्टेनोग्राफर्स का जॉब प्रोफाइल लेके. स्टेनो से कोई अफसर बनना चाहता है, कोई कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है. तो देखो, इनकम टैक्स में तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एक होता है, तो वही एक ही डिपार्टमेंट है जितना मेरा नॉलेज में है. बाकी मैं एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि स्टेनो का जो कैडर होता है, ये बहुत यूनिक कैडर होता है. इसमें आप ऑफिसर कैडर या क्लेरिकल से जो बंदा जा रहा है, वो वाला कैडर और स्टेनो का कैडर, इसको मिक्स मैच मत कीजिए. ये दोनों कम्प्लीटली सेपरेट दो कैडर है. स्टेनो का कैडर में तो जैसे जो भी प्रमोशन होता है, वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 से ग्रेड 2, ग्रेड 2 से ग्रेड 1, PSA, PS, उसके बाद सीनियर PS, ये सब ऐसे ऐसे प्रमोशन उनका होता रहता है, वो अलग है. बहुत जगह मैं देखता रहता हूँ कि स्टेनो एक स्टेनोग्राफर का क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या रिस्पेक्ट मिलता है नहीं मिलता है, क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे वो काम करते हैं. कोई कोई ऐसे कमेंट ऐसे ही पास कर देते हैं कि स्टेनो का तो कोई ज़रूरत आजकल है नहीं, सब कुछ तो अभी मशीन आ गया है, सब कुछ हो गया, कंप्यूटर आ गया. तो यार एक बात बताओ, कंप्यूटर टाइपिंग ये चीज़ अलग है, टाइपिस्ट अलग है, स्टेनोग्राफर अलग है. एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जितना भी रिक्रूटमेंट होता है, जितने भी पोस्ट का रिक्रूटमेंट होता है, SSC जितना भी पोस्ट की वैकेंसी निकालती है जो कि डिपार्टमेंट्स उसे फॉरवर्ड करते हैं, उनमें से अगर कोई पोस्ट इफ़ एनी पोस्ट इज़ सोली बेस्ड ऑन आर्टिस्टिक क्रीडेंशियल्स, देन दैट पोस्ट इज़ स्टेनोग्राफर, पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर. स्टेनो जो है वो एक कला है, स्टेनो इज नथिंग लेस देन एन आर्ट. ये चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेनोग्राफी में मैंने बहुत लोग देखा है ज्वाइन किए, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, बस ख़त्म. मैथ से टफ होता है स्टेनो करना, पता है? स्टेनो में सिर्फ दिमाग नहीं, दिमाग के साथ साथ आपका पेशेंस, आपका हार्ड वर्किंग, आपका लगे रहने का जो आपके अंदर जुनून है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और जिस भाषा का आप स्टेनो कर रहे हो, उस भाषा के ऊपर आपका कितना पकड़ है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है. तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं स्टेनो का जो लाइफ है उसको चार पांच पॉइंट में मैं क्लासीफाई करके मैं बताता हूँ. और ये जो आगे मैं सारे पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इस पॉइंट के साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा. पॉइंट्स तो है जो रियलिटी है, मेरा एक्सपीरियंस है, अदर्स का एक्सपीरियंस है, दूसरे डिपार्टमेंट से भी मेरे दोस्त है, मेरे डिपार्टमेंट में मेरे अपने दूसरे डिवीजन में दोस्त है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट आते हैं, आपको पता ही होगा. तो वहाँ पर भी कैसा काम है, कैसा एक्सपीरियंस है, ये भी मैं शेयर करूँगा. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, मैं आपको ये समझाता हूँ कि जॉब प्रोफाइल, वर्क लाइफ क्या होता है. तो स्टेनोग्राफर करता क्या है? एक स्टेनो जो है, स्टेनो मल्टीटास्कर होता है. मल्टीटास्कर क्यों होता है? क्योंकि हमेशा स्टेनोग्राफर, चाहे वो ग्रेड 3 हो, ग्रेड 2 हो, आप 2400 में आ रहे हो या 4200 ग्रेड पे में आ रहे हो या 4600 ग्रेड पे में आ रहे हो, आप हमेशा सीनियर मोस्ट या वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स के साथ आप अटैच होगे, उनके PA बनोगे. अब जैसे मेरे डिपार्टमेंट में, मैं जब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग न्यू दिल्ली हुआ था, तो आई वॉज़ PA टू DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. PA जो होता है, वो ऑफिसर का गेटवे होता है. बाहर से उस ऑफिसर के केबिन के बाहर जितना भी बाकी ऑफिस है, जितना भी डिवीजन है, जितना भी अफसर्स बैठे हुए हैं,
उनका सारा काम, सारा फाइल, सब कुछ आपके साहब के पास आपके थ्रू जाएगा, पीए के थ्रू जाना पड़ेगा उसको। तो आप जो है उसको चैनलाइज करते हो, चैनलाइज करके ऑफिसर्स ऑफिसर के पास, आपके अपने ऑफिसर के पास आप उनको भेजते हो वो काम, और वो अफसर जो काम करता है वो काम आप करके आप बाहर बाकी ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। बेसिकली यू आर लाइक स्वामीनाथन। आपने मालगुडी डेज तो देखा होगा, तो उसमें स्वामीनाथन को जो बोला जाता है वो ही इज़ लाइक द कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक पीए इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिसर ही हैज़ बीन असाइंड अंडर एंड द रेस्ट ऑफ द ऑफिस। तो सीनियर ऑफिसर के साथ अटैच होने के कारण आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने बड़े अफसर के साथ, DIG, IG, ADG, उनके साथ जब आप अटैच होते हो तो आप देखते हो कि ये मतलब कैसे काम करते हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, इनका मोटिवेशन क्या है, काम के प्रति इनका डेडिकेशन कितना ज़्यादा है, ये देख के आप सीखते हो। और अगर आप अपने लाइफ में वो चीज़ जो पॉजिटिव जो क्वालिटीज़ आप अफसर में देख रहे हो वो आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप तो यार बहुत आगे निकल जाओगे। स्टेनोग्राफर के पास ये ऑप्शन होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो स्टेनो नहीं है वो बुरे सीखते या बुरा करते, ऐसा नहीं। आपके पास स्टेनोग्राफर के पास बना बना ऑप्शन मिल जाता है, वो वहाँ से सीख सकता है। अगर सीखना चाहता है तो वो सीख के अपनी ज़िंदगी में खुद इम्प्लीमेंट कर सकता है। और एक जो चीज़ है वो ऑफिस में आपका एक इन्फ्लुएंस बनता है। स्टेनोग्राफर का बहुत लोग पूछते हैं कि CGL से जो अफसर होते हैं या बहुत बढ़िया होते हैं अफसर, सेक्शन ऑफिसर, ASO, इंस्पेक्टर वगैरह, सब ठीक है, सब अपनी जगह है। स्टेनोग्राफर का जो प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा यूनिक है, आप उसको किसी से ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ब्लाइंडली। स्टेनोग्राफर का इन्फ्लुएंस अलग होता है क्योंकि वो एक हाई लेवल ऑफिसर के साथ अटैच है, उसको काम लेना है। मैं जब था, मैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर से काम लेता था, मैं हिंदी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर से काम लेता था, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP वगैरह सबसे मुझे काम लेना पड़ता था क्योंकि मेरा वो ड्यूटी था। मुझे DIG जैसे डिक्टेट करेंगे, जैसे बोलेंगे कि ये फाइल ये वो, तो मुझे वैसा काम करना होता था। तो उस वजह से उनके साथ अच्छा कनेक्शंस भी हो जाता था, ऑफिस में लोग भी जानते थे कि हाँ ये है PA to DIG है। और बाकी जो है ऑफिस में आपको एक अलग नज़रिया से देखा जाता है कि आप स्टेनोग्राफर हो। स्टेनोग्राफर जो होता है ना, पता है वो एक बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक पोस्ट होता है, ऐसे आलतू फालतू एला वेला पोस्ट नहीं होता है वो। तो उसमें आपको मिलता है फुल इज्जत और आपके फैमिली को भी फुल इज्जत मिलता है। जैसे कि उसमें मिर्ज़ापुर ही आप देख लो, मिर्ज़ापुर में जैसे गुड्डू ने क्या किया, गुड्डू भैया ने ऐसे बंदूक लेके घोड़ा लेके चले गए, उसको रखा, बोला कि आज से मेरी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। तो इसमें आपको घोड़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्टेनो का टेस्ट पास करना है, SSC स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन क्लियर करना है और बस आपको इज्जत मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, जो इज्जत इसे मिलता है ना ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई बताता नहीं है वीडियो बना के, कोई नहीं बताता है कैसे पास करोगे, कैसे स्पीड बढ़ाओगे, कैसे क्रैक करोगे, रिटेन कैसे क्लियर करोगे, कौन सा किताब पढ़ना है, कितना पैसा मिलता है, क्या पे स्लिप है, सबका वीडियो मिल जाएगा। लेकिन स्टेनोग्राफर का जो रुतबा है, जो उसका रिस्पेक्ट है ऑफिस में, जो उसका पोजीशन है, उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बहुत कम देखा है। मैंने ये चीज़ खुद देखा हुआ है, खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, और बस 2 साल भी नहीं हुआ मुझे DG कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टेनोग्राफी करने के लिए और DOs बनाने के लिए, प्रेस रिलीज बनाने के लिए। ये सब चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये हर कोई नहीं बना पाएगा, एक सेक्शन ऑफिसर नहीं बना पाएगा, वो फाइल मूव करेगा, वो ऑफिशियल काम, एस्टेब्लिशमेंट का काम, एडम का, ये सब के लिए ठीक है। लेकिन एक जो ऑफिस को जब रिप्रेजेंट करने का बात आता है, जब ऑफिस का कोई फंक्शन होता है उसमें आप प्रेस रिलीज बना रहे हो, जो जब कोई मीटिंग हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, चेयर्ड बाई IG और DIG और ADG और DG, उसका आप मिनट्स बना रहे हो, जो क्या क्या एक्शन है, किसको क्या करने के लिए बोला गया है, वो आप नोट डाउन करके फिर बाद में आप मिनट्स निकाल रहे हो, तो उस चीज़ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। रिकॉर्ड बहुत लोग बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग कर लेंगे, रिकॉर्डिंग कर लोगे उसको आप एग्जैक्ट कैसे कैसे लिखोगे, उसको आप स्क्रिप्ट फॉर्म में कैसे लाओगे। सरकारी ऑफिस में दफ्तर में क्या होता है, अफसर पढ़ेगा ना कि क्या क्या मीटिंग में हुआ है, किसको क्या डायरेक्शन दिया गया है, वो कैसे करोगे।
सुन सुन के सुन सुन के कितना लिखोगे, कितना टाइप करोगे आप? बार बार उसको पॉज करो, टाइप करना पड़ेगा, फिर पॉज करना, फिर टाइप करना पड़ेगा, कुछ जगह आपको खुद कन्फ्यूजन हो जाएगा। स्टेनोग्राफर जो है वो डिक्टेशन लेता है, वो नोट करता है, खुद मॉडिफाई करता है, उसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लाता है, लाके उसको प्रेजेंटेबल बना के वो देता है। बस स्टेनोग्राफर का बस यही काम नहीं है कि डिक्टेशन लेंगे, छाप देंगे, फेंक देंगे, ये नहीं है। उससे कई गुना ज़्यादा और भी बहुत कुछ काम होता है। एक स्टेनो जो है उसको फाइल भी चलाना होता है, उसको कॉल्स भी लेने होते हैं, उसको कॉरेस्पॉन्डेंस भी हैंडल करना होता है, मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडल करता है वो, और वो सेम चीज़ जो मीटिंग होता है वो मिनट्स भी बनाता है, वो ऑफिस का प्रेस रिलीज भी बनाता है और बहुत कुछ करता है। जो एक अफसर, एक क्लरिकल कैडर से बना हुआ अफसर या सीजीएल से अफसर जो करता है फाइल वगैरह बनाना चलाना, वो भी करना पड़ता है स्टेनोग्राफर को। ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता, वो भी करता है और सेक्रेटरियल वर्क भी करता है। हो गया ना मल्टीटास्कर, इसमें कोई डाउट मत रखो। अब आ जाते हैं जी वर्क लाइफ बैलेंस में। वर्क लाइफ बैलेंस तो देखो डिपेंड करता है आपके अफसर के ऊपर, विथ होम यू आर अटैच्ड। तो अफसर जितना वो ऑफिस में बैठेगा उसका टाइमिंग जैसा होगा, वो इंसिस्ट कर सकता है कि आप भी थोड़ी लेट तक बैठो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। ऐसा नहीं कि जो शेड्यूल टाइम है उसका बियॉन्ड हमेशा वो आपको रोक सकता है या ऐसा कुछ प्रेशराइज कर सकता है, ये नहीं है। अगर कभी आपको रुकना है या कुछ को करना है तो उसका ऑर्डर मिलता है आपको कि इस फलाना फलाना स्टाफ को आज एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुकना पड़ेगा, या फलाना फलाना स्टाफ को सैटरडे संडे ऑफिस आना पड़ेगा, उसका ऑर्डर निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर भी नहीं दिया, जब भी बोल रहे हैं तब भी आप काम कर रहे हो, आपसे बस काम ही करवाया जा रहा है, आपका शोषण हो रहा है और आप कुछ कर भी नहीं। ऐसा नहीं है, अफसर अगर काम भी करवा रहा है और जब ज़रूरत पड़े आपको रिलैक्सेशन भी दे रहा है तब तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। तो ऑफिसर और स्टेनोग्राफर का जो रिलेशन होता है वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों को ही दोनों का ज़रूरत है काम के लिए। तो अब दोनों अपने बीच का अंडरस्टैंडिंग का बात है कि, लेकिन वैसे तो मेरा जितना तक एक्सपीरियंस है या मेरे डिपार्टमेंट में जो भी मेरे दोस्त वगैरह जो पीए रहे है या अभी कुछ और डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो गए हैं तो ट्रांसफ़र हो गए, तो मैंने देखा है कि कोई दिक्कत होता नहीं, कि एकदम टाइम से जाते हैं, टाइम से निकल जाओ, टाइम से आओ, स्ट्रेस कम होता है। इनों का स्ट्रेस सीजीएल वालों से बहुत कम होता है, या उसके उच्च बड़ा ऑफिसर और भी उससे तो कम होगा ही। आप चाहे पीए जितना भी बड़ा बन लो, पीए ग्रेड ग्रेड टू हो जाओ, पीएस हो जाओ, आप सीनियर पीएस हो जाओ, जो भी हो जाओ, आपका जो काम है वो सेम ही रहेगा, लिमिटेड काम ही है। आपको जो सीनियर ऑफिसर के साथ उसका जो सेक्रेटरियल वर्क वो करना है, टेबल वर्क करना है, तो वो काम लिमिटेड होता है, उसमें तो ज़्यादा कुछ इजाफा नहीं होगा। अचानक से एक दो दिन हो सकता है कि प्रेशर आ गया, लेकिन बाकी टाइम ठीक ठाक नॉर्मली रहेगा। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि टाइम से आप आओगे और टाइम से आप घर जाओगे, तो वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया मेंटेन होता है। घर आप टाइम से पहुंच जाओगे और ऑफिस आप ठीक ठाक आ जाओ, वो अफसर के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग का बात है, उसमें कोई दिक्कत होता नहीं है। क्योंकि देखो यार, अफसर को भी स्टेनोग्राफर चाहिए, स्टेनोग्राफर काम करेगा तो उसका काम जो है फास्ट होगा, क्योंकि स्टेनो मल्टीटास्कर होता है, वो बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत फास्ट काम करता है, वो सबका ऑफिस का ना गो टू पर्सन होता है। हर कोई आके हर अपना इशू जो भी दिक्कत होगा वो होगा ना, वो आपको बोलने के लिए आ जाएगा और आप भी उसमें हेल्प कर पाओगे। अब आ जाते हैं मॉनिटरी बेनिफिट में। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो सीजीएल वाला जो लाइन है, जैसे एएसओ हो गया या असिस्टेंट हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, उसका जो ग्रेड पे है और स्टेनो का जो ग्रेड पे है, स्टेनो में भी 4600 है, 4200 है, उसमें भी है, स्टेनो में 2400 है, जो यूडीसी होता है सीजीएल का, जो यूडीसी है उसका भी 2400 है। तो कहीं मॉनिटरीली अगर आप देखो तो किसी एंगल से कम तो है ही नहीं, उल्टा कुछ मामले में तो आगे बढ़कर है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक स्टेनोग्राफर का वो अपना स्किल टेस्ट देके वो इंक्रीमेंट निकाल सकता है, एडवांस इंक्रीमेंट ले सकता है वो। गवर्नमेंट हर अफसर को क्या मिलता है, एक इंक्रीमेंट मिलता है, दो डीए मिलता है, हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है, दो डीए मिलता है। अगर एक स्टेनोग्राफर वो अपना स्किल टेस्ट दे के, वो इंटरनल डिपार्टमेंटल स्किल टेस्ट का आदेश है डीओपीटी का, कोई डिपार्टमेंट बोल नहीं सकता कि नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, डीओपीटी ने आदेश दे के रखा हुआ है, गाइडलाइन दे के रखा हुआ है,
उस गाइडलाइन के तहत आप स्किल निकाल लो, 80 का हो ग्रेड डी हो तो 100 निकाल लो, ग्रेड सी हो तो 120 निकाल लो, ग्रेड डी हो तो 100 120 दोनों ही निकाल लो, डबल मिलेगा आपको इंक्रीमेंट। और एक निकालोगे तो एक इंक्रीमेंट मिलेगा, किसी और पोस्ट में मिलेगा ऐसा नहीं मिलता है कहीं और। ये सिर्फ प्रोमोशन के अलावा, जब तक आप प्रोमोशन नहीं होता है डीए, और जो डीए आपका शेड्यूल्ड है 2 DA और जो एक इंक्रीमेंट आपका तो फिक्स्ड है ही, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल सकता है जो स्टेनोग्राफर के पोस्ट में मिलता है, मॉनिटरी बेनिफिट अच्छा खासा है। तो फाइनली मैं इसी बात से ख़त्म करूँगा कि जॉब बहुत बढ़िया है, स्टेनोग्राफर का जॉब मुझे जब मिला है ना, मैं आज ज़िंदगी में जो भी हो, जो भी कुछ मैंने बनाया है, जो भी कुछ किया है, आज इस नौकरी के वजह से मैं कर पाया हूँ। तो स्टेनोग्राफी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और इतना अच्छा जॉब प्रोफाइल है, इतना बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। आपका जो काम जो है वो बैलेंस्ड काम है, एक्सेसिव प्रेशर नहीं है, और आप जो है मल्टीटास्किंग करते हो, आपको जो है इज्जत फुल मिलता है, आपको जो है मनीटरी बेनिफिट बढ़िया मिलता है, आपका जो है सोशल स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो आप क्यों नहीं निकाल पाओगे एग्ज़ाम? आपको निकालना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा ना, ये कोई ऑप्शन तो कुछ है नहीं कि नहीं मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, ये है वो। आज के दिन में खड़े होके आप मुझे एक और एग्ज़ाम दिखा दो जिसमें लेवल इतना कम होता है। स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम में बस 2 लेवल होता है, रिटेन क्लियर करो, स्किल क्लियर करो, बात ख़त्म। बस इसको ही क्लियर करना है, इसको ही पूरा फोकस में रखना है। सामने स्किल टेस्ट है, जम के तैयारी करो, एग्ज़ाम निकालो, अपने मम्मी पापा को प्राउड करो, गर्लफ्रेंड है तो उसको भी प्राउड करो, उसके बाद शादी बना लो, और अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो अपने मौज के लिए तो एग्ज़ाम क्लियर करो भाई, क्लियर तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एकदम लगे रहो, और दिन रात जितना हो सके उतना ज़्यादा शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करो, डिक्टेशन लो। मैं जब लेता था ना, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, मेरा जो है हाथ में रिस्ट में इतना दर्द होता था, मैं खा नहीं पाता था, मैं कैसे भी करके चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके खाता था, मैं हाथ से खा नहीं पाता। ये जो उंगली होता है ना, इसका जॉइंट होता है, बहुत पेन होता है भाई, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और एग्ज़ाम मुझे निकलना ही था। तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर दिया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया कम टाइम में, और 2017 वाला एग्ज़ाम से मैंने 2019 में मैंने ज्वाइन किया, जुलाई को, इन द मंथ ऑफ जुलाई, न्यू दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया, जबकि मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता में बढ़िया सा कोई गाइडेंस मुझे मिला नहीं, कोई अच्छा खासा इंस्टीट्यूट कुछ है नहीं। तो उसके बावजूद जो छोटा सा किताब आता है पिटमैन का, अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया, उसको देखा, उसका एक्सप्लेनेशंस पढ़ा, उससे प्रैक्टिस किया, बाकी यूट्यूब में वीडियोस वगैरह तो आता ही रहता है डिक्टेशन का, उससे डिक्टेशन लिया, दिन रात लगा रहा, खुद रिकॉर्डिंग किया, न्यूज़पेपर से डिक्टेशन रिकॉर्ड करके लिया, सब कुछ करके तब जाके मिला। पेंसिल पे पेंसिल ख़त्म हो गया, शार्पनर पे शार्पनर ख़त्म हो गया, और शॉर्ट हैंड का कॉपी कोलकाता में मिलता ही नहीं था, बहुत ढूंढ ढूंढ के एक जगह से मेरी मम्मी एक दिन 2 डज़न लेके आई, बहुत मैंने उसको पूरा ख़त्म कर दिया। पेंसिल का तो इतना बड़ा एक बैग बन गया, सारा पेंसिल ख़त्म होता था, जब इतना सा बाकी होता था उसको फेंक देते थे। तो ऐसे करके करके फाइनली जॉब लगा, और जितना भी हार्डवर्क था वो फाइनली इट पेड ऑफ, एंड आई एम सेटिस्फाइड विथ वेयर आई एम टूडे। बट दैट डजेंट मीन कि मैं और फर्दर एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, मैं और फर्दर सीनियर और सीनियर पोस्ट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर का भी टारगेट है, देखते क्या होता है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग योर गुड वर्क, एंड यू विल गेट सक्सेस। बाय।